हेलो गाइस, मेरा नाम अशोक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोक सरदार एडिट। तो गाइस, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस तरह का फोटो एडिटिंग दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइस, इस तरह का फोटो एडिटिंग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। इससे क्या होगा, मेरे आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो गाइस, इस तरह का फोटो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको स्टेप फॉलो करनी है। सबसे पहले आपने फ़ोन में PicsArt को ओपन करनी है। जैसे ही PicsArt ओपन हो जाती है, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताऊंगा। ओके, उसके बाद नीचे पे प्लस का आइकॉन है गाइस, उस पर एक बार क्लिक कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले बैकग्राउंड को ऐड करनी है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले बैकग्राउंड को ऐड कर लेनी है। यह बैकग्राउंड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा, फिर से इस बार मॉडल की PNG को ऐड कर लेंगे। तो ऐड फोटो में जाके इस बार गर्ल की मॉडल की PNG को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो गाइस मैं गर्ल की मॉडल की PNG को इस बैकग्राउंड पे ऐड कर लेता हूँ। अब भी अपने फ़ोटो को यहाँ पे ऐड कर लेना। ठीक है, तो मैं PNG को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद इस PNG को अच्छी तरह से बैकग्राउंड में एडजस्ट करनी है। ठीक है, ताकि दिखने में फ़ोटो रियलिस्टिक लगे। इस तरह से आपको भी बैकग्राउंड में अच्छी तरह से एडजस्ट करनी है, अच्छे पोजीशन में। ओके, ताकि देखने में फ़ोटो रियलिस्टिक लगे। उसके बाद क्या करना होगा, एडजस्ट हो जाने के बाद इस फोटो को डन कर लेना है। उसके बाद देख सकते हो आप, नीचे के हिस्से पे शैडो नहीं है। ठीक है, तो हमें शैडो क्रिएट करना होगा। उसके लिए टूल्स में जाएंगे गाइस। टूल्स में जाने के बाद एडजस्ट में एक बार क्लिक कर लेंगे। ठीक है, एडजस्ट में क्लिक करने के बाद फिर उसकी ब्राइटनेस को पूरा कम कर लेंगे। ठीक है, पूरा माइनस कम कर लेंगे, मतलब -100 रखेंगे। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद इरेजर में क्लिक करेंगे, उसके बाद इसे इन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, इन्वर्ट करने के बाद फिर से ब्रश के आइकॉन में जाके ब्रश की साइज को थोड़ा सा कम कर लेंगे। ठीक है, कम करेंगे, उसके बाद ओपेसिटी को भी थोड़ा कम रखेंगे, हार्डनेस को भी थोड़ा कम रखेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद नीचे के हिस्से पर इस तरह से शैडो क्रिएट कर लेनी। इस तरह से आपको भी अपने फ़ोटो पर शैडो क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, धीरे से इस तरह से आपको शैडो क्रिएट कर लेनी है, ताकि देखने में फ़ोटो रियल लगे इस तरह से। ओके, आपको भी शूज पे थोड़ा सा शैडो और थोड़ी सी दे देनी है। ठीक, इस तरह से। उसके बाद इसे हम डन कर लेंगे। उसके बाद हमारा मेन काम क्या करना होगा, इस फोटो को ड्रॉ टूल्स में जाके गाइस सेव कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें अपने फ़ोन में लाइटरूम ओपन कर लेनी है। ठीक है, जैसे लाइटरूम ओपन हो जाती है, सबसे पहले दो फोटो को ऐड कर लेंगे। ठीक है, लाइटरूम में सबसे पहले इस फोटो को ठीक है, ये प्रीसेट है गाइस। उसके बाद क्या करना होगा, फिर उस फोटो को जो एडिट हुआ था, इसके पहले थ्री डॉट में जाके इस प्रीसेट को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही इस फोटो को मतलब प्रीसेट को कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद फिर से बैग आके इस फोटो में हम उस प्रीसेट को पेस्ट करेंगे गाइस। तो फिर से इस पर थ्री डॉट में जाके इसमें पेस्ट सेटिंग है गाइस, उसमें एक बार पेस्ट सेटिंग कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक ही कलर टचिंग हो गया। देखो, अब देख सकते हो गाइस देखने में कितना अच्छा लगा। लेकिन बट इसमें स्टार की कलर थोड़ा ग्रीन हो गई, उसके लिए फिर से मिक्स टूल में जाके इस ग्रीन की ह्यू को इस तरह से -100 करेंगे। ठीक है, -100, ताकि इसकी ग्रीन कलर के स्टार को कलर को चेंज करने के लिए। ठीक है, इस तरह से सैचुरेशन को भी थोड़ा सा टच करके देख सकते हो। उसके बाद इस तरह से येलो कलर की ह्यू को गाइस थोड़ा कम करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो स्टार का कलर किस तरह से चेंज हो गया। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। फिर इसे हम शेयर में जाके इस फोटो को गाइस सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए।